भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर के रहने वाले एक विद्यार्थी ने अपने वतन वापसी के बाद बांग्लादेश के हालात के बारे में तफसील से बताया है। बाड़मेर के मंसूर अली ने बताया कि बांग्लादेश आरक्षण विरोधी आंदोलन की वजह से जल रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर लगी आग से पूरा मुल्क जल रहा है। जगह जगह सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले करते दहशत गर्दों की वजह से कई लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। भारत के कई MBBS विद्यार्थी भी इसी हालात के जद में हैं। ऐसा ही एक विद्यार्थी दहशत के कई काले दिनों के अंधेरों से निकलकर अपने वतन लौटा है। बाड़मेर के रहने वाले इस विद्यार्थी ने अपनी वतन वापसी के बाद सरहद पार बांग्लादेश के हालात के बारे में तफसील से बताया है। मंसूर अली, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का विद्यार्थी है, ने बताया कि बांग्लादेश आरक्षण विरोधी आंदोलन की वजह से जल रहा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के सिटी कोतवाली के पास रहने वाले मंसूर ने बताया कि आरक्षण को लेकर हिंसा शुरू हुई, तब लगा था कि मामला छिटपुट ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उग्र आंदोलन पूरे बांग्लादेश में फैल गया। मंसूर ने बताया कि 18 जुलाई से हिंसा के रूप में पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिसके चलते उसका रास्ता पूरी दुनिया से टूट गया। बाड़मेर में घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जहां मंसूर रहते थे वहां से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मंसूर ने बताया कि 4 दिनों तक उनके और उनके साथियों के रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे विद्यार्थियों जैसे हालात हो गए थे। मंसूर ने 22 जुलाई को उड़ान भरी और 23 जुलाई को बाड़मेर पहुंचे। उनकी एक फ्लाइट से करीब 40 भारतीय लोग निकले। करीब 200 से अधिक भारतीय उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 10,000 से अधिक भारतीय ढाका में रहते हैं। 4 दिन तक उन्होंने बस यही सोचा कि अपने घर जिंदा जा पाएंगे। घर वालों को जब उनके भारत पहुंचने की जानकारी मिली, तब कहीं जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। फिलहाल मंसूर अपने माता पिता के साथ हैं। मंसूर ने बताया कि बांग्लादेश के हालात बेहद खतरनाक थे। सरकारी संपत्तियों को आग लगाई जा रही थी और कई लोग हिंसा की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे थे। उनका अनुभव एक भयानक सपने जैसा था, जिससे वे अब निकल चुके हैं और सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं। मंसूर और उनके परिवार के लिए यह एक राहत की बात है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन बांग्लादेश में रह रहे अन्य भारतीयों की सुरक्षा के लिए चिंता अभी भी बनी हुई है।